एक तरफ पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में इंसान तो इंसान जानवर भी बहुत परेशान है। नमस्कार, परफेक्ट टाइमलाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वड़ियाल। इस समय हम टैंडी डियर पार्क उधमपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे जो हिरन रखे गए हैं उनके लिए ये स्पेशल, खासकर गर्मियों के दिनों में ये स्पेशल डाइट जो है वो दी जाती है, तरबूज दिया जाता है ताकि गर्मी का असर जो है इन जानवरों पर ना पड़े। ये देखिए वाइल्ड लाइफ विभाग के लोग जो हैं किस तरह से उनके लिए यहाँ पे स्पेशल डाइट जो है वो बनाते हैं। तरबूज दिया जाता है गर्मियों के दिनों में और ये देखिए किस तरह से ये लोग बाज़ार से तरबूज लाते हैं और इन जानवरों को यहाँ पे खिलाते हैं। एक कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ के, उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। सर अपना नाम बताएं, ये बताएं। मेरा नाम जोगिंदर पाल है, मैं इंचार्ज डियर पार्क हूँ यहाँ। तो गर्मियों में हम खास करके ये दुआना, खीरा और कड़म वगैरह लगाते हैं, लाते हैं कि जो ठंडे होने दी जाए। ग्लूकोज भी पानी में मिक्स कर देते हैं और जो इनके वो शेड हैं उनमें पानी डाल के उनको भिगो देते हैं ताकि ठंडी रहे। कितने जानवर यहाँ पे हैं और कौन कौन से जानवर? जहाँ 33 हैं डियर, स्पॉटेड डियर हैं और 3 वो हैं वर्किंग डियर हैं। कुल मिला के कुल कुल मिला के ये कोई 36 है। और क्या क्या डाइट इन्हें दी जाती है? इन्हें ऐसे तो पत्ते डाले जाते हैं इस गर्मियों के दिन में, कोई ठंडी किस्म के जो पत्ते होते हैं ना, ये गरना वगैरह हम देसी में बोलते हैं, ऐसे वाले पत्ते दिए जाते हैं। लेकिन ये बाज़ार से फिर हम दुआना, खीरा वगैरह ये भी डालते हैं और ग्लूकोज वगैरह पानी में डालते हैं इनके लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए किस तरह से तरबूज बाज़ार से लाया जाता है और इन जानवरों को जहाँ पे खिलाया जाता है, इस तरफ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे हिरन जो हैं यहाँ पे हैं और ये देखिए तरबूज खा रहे हैं। यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंसान तो इस गर्मी से परेशान ही है लेकिन साथ ही साथ जानवर भी काफ़ी परेशान हैं। तस्वीरें उधमपुर के टैंडी डियर पार्क से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जानवर जो हैं यहाँ पे अब रह रहे हैं। और खास ही खास वन विभाग, वाइल्ड लाइफ विभाग की बात करें तो कर्मचारी भी इनका खास यहाँ पे ख्याल रखते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी के दिनों की डाइट जो है वो अलग होती है, सर्दी के दिनों की डाइट जो है वो अलग होती है। ये देखिए यहाँ पे हिरन जो है यहाँ पे रखे गए हैं। क्लोज़ कैमरामैन से गुजारिश होंगे, क्लोज़ शॉट्स जो है आप दिखाएं कि देखिए किस तरह से गर्मी का असर जो है अब जानवरों पे भी लगातार पड़ रहा है और ख़ासकर वन विभाग के लोग जो हैं इन पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इन पे कड़ी नज़र रख रहे हैं और क्या क्या डाइट्स की इनको ज़रूरत है वो सब यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब विभाग के कर्मचारियों का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए गर्मी जो है वो लगातार किस तरह से पारा, खासकर जम्मू की बात करें, जम्मू डिवीज़न की बात करें तो पारा जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। परफेक्ट टाइमलाइन के लिए उधमपुर से राकेश वड़ियाल की ये रिपोर्ट। मैं महेश अबरोल, रेंज अफसर वाइल्ड लाइफ उधमपुर टंडेरक। यहाँ स्पॉटेड डियर हैं हमारे पास 34 और बार्किंग डियर जिसको पारा कहते हैं वो 3 है और आज एक रेस्क्यू करके लाया है। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, गर्मियों के शुरू से ही हम इनको स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर और वाटरमेलन प्रोवाइड करते हैं। ग्लूकोज साथ साथ चलता रहता है। जो स्टाफ हमारा इधर कार्यरत है वो 24 आवर इधर रहता है और बड़ी सेवा भाव से इनकी सेवा करते हैं और बहुत ही वर्क हार्ड करते हैं इनको बचाने के लिए और हर मतलब स्थिति को संभालने के लिए। क्या हम मेडिकल चेकअप हमारे पास हॉस्पिटल में डॉक्टर को बुलाकर हम उनका मेडिकल चेकअप करवाते रहते हैं।